मजबूत जबड़ा, ऊबड़ खाबड़ शरीर, अच्छी खासी लंबाई और फुर्तीला, इतना कि पलक झपकते ही अपने शिकार को अपने दांतों में दबा दे। हम बात कर रहे हैं इस धरती पर मौजूद सबसे खतरनाक जानवरों में से एक, मगरमच्छ की। खुरदरी खाल वाले इस जानवर का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पानी और धरती पर रहने वाले ये सरीसृप देखने में भी बहुत बदसूरत और डरावने लगते हैं। आश्चर्य की बात है कि कई देशों में इसके खाल से बने प्रोडक्ट्स और मांस के लिए बकायदा इसकी फार्मिंग की जा रही है। क्रोकोडाइल्स को मुख्य रूप से दो प्रजातियों में बांटा गया है, मीठे पानी के मगरमच्छ और खारे पानी के मगरमच्छ। मगरमच्छ सामान्यतः समुद्र, नदियों और झीलों में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई करीब 5 से 7 मीटर तक होती है, वहीं इनका वजन 1,000 से 13,000 किलोग्राम तक होता है। इनकी सुनने और देखने की शक्ति बहुत लाजवाब होती है। इनका पाचन तंत्र इतना ज़बरदस्त होता है कि ये हड्डियों और पत्थरों को भी पचा देते हैं। कमर्शियल क्रोकोडाइल फार्मिंग बहुत ही मुनाफे वाला बिजनेस है। पैसों से भरे इस आकर्षक उद्योग में शुरुआती 3-4 सालों में भारी निवेश की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत बड़ी जगह की भी आवश्यकता होती है, जहां हजारों मगरमच्छों को आसानी से पाला जा सके। एक बार जब ये बिजनेस पूरी तरह सेट हो जाता है तो आप पर पैसों की बरसात होनी शुरू हो जाती है। इंटरनेशनल मार्केट में मगरमच्छ की खाल से बने प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा मांग है, साथ ही ये काफ़ी महंगे बिकते हैं। आंकड़ों की माने तो सिर्फ थाईलैंड में 1,000 से ज़्यादा क्रोकोडाइल फार्म है। ये फार्म बकायदा सरकार से लाइसेंस लेकर क्रोकोडाइल के मांस का धंधा करते हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि क्रोकोडाइल फार्म में इनकी चमड़ी, मांस और खून के लिए इन्हें जिंदा काटा जाता है, और इसे देखने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट टिकट कटा के इन प्रोसेसिंग सेंटर्स में जाते हैं। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में क्रोकोडाइल की खाल से बने एक जैकेट की कीमत करीब 4 लाख रुपए होती है। इसके अलावा इसके खून का इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में किया जाता है, जहां इसके 1 लीटर खून की कीमत 1,000 रुपए होती है, वहीं इसका मांस 600 रुपए किलो तक बिकता है। दुखद बात यह है कि लगातार मनुष्य द्वारा मगरमच्छ के शिकार के कारण इनकी कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। यह उन जानवरों में से एक है जो इंसानों से भी पहले से धरती पर हैं, पर शायद इंसानों के कारण यह समय से पहले ही धरती से गायब हो जाएंगे।